हैं अगली खबर की ओर। जींद में किसानों ने कंगना रनौत के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में अमल लाए जाने के बाबत रोष प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान नेता रवि आजाद ने कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुए घटनाक्रम से किसानों में गहरा रोष है। सीआईएसएफ की महिला जवान कुलविंदर कौर को सरकार रिहा करे, वहीं कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अगर हरियाणा में कंगना रनौत आती हैं तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। जैसे किसानों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है, वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को हराने का काम किसान करेंगे। सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर को भारत रत्न अवार्ड दिया जाना चाहिए। आने वाले समय में भाजपा और आरएसएस के लोग कहा करेंगे कि एक भाजपा थी, और कहा कि मायावती को एक मंत्री पद दिया जाना चाहिए। जिनसे संजय कुमार की रिपोर्ट। ओम प्रकाश खरोदा के प्रधान कंडेला था। आज जो किसान भारतीय किसान यूनियन ने जो प्रदर्शन किया है, इसके अंदर हमने मांग की है कि कुलविंदर कौर को रिहा करो, उसकी नौकरी बहाल करो और उसकी जो FIR है उसको कैंसिल करो और कंगना के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। आप कहेंगे क्यों होना चाहिए? क्योंकि कंगना का खोट इसमें ज्यादा है। वो कैसे ज्यादा है? कंगना ने कहा था जब किसान महिलाएं आंदोलन पर बैठी थी, उसने कहा था कि 100-100 रुपए में आती हैं, तो इस प्रकार की फर्जी भाषा का प्रयोग किया है इसने और हम इसकी भर्त्सना करते हैं और अंत में ये कहते हैं कि इस पर केस जरूर होना चाहिए, नहीं तो इस देश के अंदर तो हाई मत। ज्ञापन किसको दिया, किसके नाम दिया? ज्ञापन हमने किस साल को दिया है, किसके नाम दिया है? राष्ट्रपति के नाम दिया है।